कराने का आह्वान किया है, क्यों करा रहे हैं, क्या कारण है? देखो आज दिल्ली के अंदर पूरा व्यापारी है, छोटा दुकानदार, महिला दुकानदार, हर दुकानदार आज परेशान है सीलिंग की मार से। भाजपा शासित MCD बड़े ही षड्यंत्र के तहत व्यापारी को परेशान करने के लिए उनके ऊपर ये सीलिंग का बोझ डाल रही है। कर्मचारी के नाम पे लोग हजारों करोड़ रुपए ये लोग जनता से खा चुके हैं और उसका कोई हिसाब नहीं है। कर्मचारी देने वाले दुकानदारों की दुकानों को सील किया जा रहा है, जबरदस्ती जबरन तानाशाही तरीके से ये फैसला लेके दुकानों को सील किया जा रहा है। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने आज पूरी दिल्ली के बाजारों को बंद करने का आह्वान किया, दुकानदारों से समर्थन मांगा है और पूरी दिल्ली के दुकानदार समर्थन में हमारे आए हुए हैं और इसलिए हम आज ये मार्च ऐसे निकाल रहे हैं। दुकानें खुल रही, दुकानें खुल रही है, व्यापारी का अपना मन है कि ताना हम बीजेपी इधर तानाशाही से दिल्ली को मत निकाल, वो व्यापारी को समर्थन में आया है और व्यापारी निकल के दुकान से देखिए आप आ रहे हैं उसको बंद कराने के लिए दिल्ली को आ रहे हैं। सीलिंग से मारेंगे उसके बाद में अपनी FDI को ले आएंगे बाहर से, तो व्यापारियों की कब्र पर जो ये अपनी इमारत खड़ी करना चाहते हैं ये बिल्कुल अवैध है, गलत है, ये हम होने नहीं देंगे इनके साथ।